हेलो एवरीवन, आज हम आपको जूनियर क्लास के स्टूडेंट के लिए एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का मॉडल बनाने के बारे में बताएंगे। इसके लिए आपको एक बेल जार की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका मुंह ऊपर से खुला हो और नीचे से भी खुला हो। एक रबड़ कॉर्क, दो छोटे बैलून, एक बड़ा बैलून, एक कैंची, रील, एक वाई आकार की ट्यूब, और कॉर्क बोरर। अब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का मॉडल तैयार है। इसे अब हम डेमो करके दिखाते हैं। बेल जार में होल किया हुआ रबड़ कॉर्क माउथ कहलाता है। ठीक इसके नीचे वाला भाग लिरिक्स यानी कि गला। दोनों मीडियम साइज के बैलून्स को हम फेफड़ा कहते हैं यानी लंग्स, एवं सबसे नीचे जो बड़ा बैलून लगा है उसे बॉडी डायफ्राम कहलाता है।
अब बड़े बैलून यानी कि डायफ्राम को नीचे की ओर हाथ से हम खींचते हैं तो दोनों मीडियम बैलून्स में हवा भर जाता है और वह फूल जाते हैं। जब हम डायफ्राम को बेल जार के अंदर की ओर दबाते हैं तो दोनों बैलून्स में से हवा निकल जाती है और वह पिचक जाते हैं। ठीक इसी तरह से हम लोग सांस लेते हैं, इस मॉडल में यही दर्शाया गया है। आप अपने घर पर इसको बना सकते हैं। यदि आपके पास बेल जार नहीं है तो इसकी जगह आप कोई भी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बोतल को नीचे की साइड से काटकर भी यूज कर सकते हैं।